देखिए, जोगी साहब के साथ हम लोगों को लंबा समय तक काम करने का मौका मिला। उनके अनुभव, उनका राजनीतिक सफर में हम लोगों को बहुत ज्यादा मार्गदर्शन मिलता रहा है। चाहे 2008 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो, हम लोग साथ में रह के काम किए, तो कहीं ना कहीं हम लोग, हमारे दिलों में भी उनके लिए बहुत ज्यादा अपार इसने प्यार रहा है। मैं उनके जाने से हम सबको बहुत ज्यादा क्षति और दुख भी हुआ है। एक सवाल ये है कि राजनीतिक मतभेद अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए, काफी लंबे समय से आप उनकी पार्टी से, उनके साथ में भी काम किया है, कोई ऐसा अनुभव जो अब आप शेयर करना चाहें उनकी याद? वो हमेशा जब भी बस्तर जाते थे हम लोगों को बहुत ज्यादा स्नेह प्यार देते थे, और वे हमेशा कहते थे हम लोग विपक्ष में है, संघर्ष करना सीखो, और विषम परिस्थितियों में जनता के बीच में रहोगे तो जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी, ये हमेशा हम लोगों को कहते थे, और उनका साथ हमेशा चुनाव में भी हमको मिलता था। उनकी जीवटता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत जीवट थे वे, विषम परिस्थितियों में भी लड़ना चाहते थे, हर बार वे लड़कर जीते थे, मगर इस बार परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही, आज हमारे बीच नहीं रहे। नहीं तो जीवटता के मामले में, चाहे महासमुंद लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति हो या वेदांता की बात हो, जो मतलब हमेशा मतलब जीत कर आए थे। कोई ऐसी एक सीख जिसको आपने अपने राजनीतिक जीवन में, अपने पर्सनल जीवन में लागू किया हो, जो जीत मिली हो? देखिए, उनके मामले में मैं हमेशा जीवटता के मामले में, जो हमको अक्सर कहते थे आप संघर्ष करिए, जो हमेशा वो कहते थे संघर्ष करिए आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज हम लोग जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं 2008 के चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, हम लोगों को संघर्ष का एक रास्ता बताते थे। अब वो नहीं रहे, चूंकि जब पहले मुख्यमंत्री रहे वो छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस पार्टी से बने थे, चूंकि बाद में कुछ गतिविधियां ऐसी हुई, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, अलग टीम में चले गए, लेकिन पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो अब उनके ना रहने के बाद कुछ प्रदेश पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कदम उठाए गए? देखिए, अभी तो ये तो हाईकमान का मामला है, मगर वो हमेशा एक अच्छे नेतृत्व करता, एक अच्छे संगठन करता रहे, उनकी सूझबूझ के साथ मतलब प्रथम मुख्यमंत्री रहे, तो छत्तीसगढ़ के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान अजीत जोगी जी का रहा है, ये एक मोहन मरकाम जी हैं, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी से ही कभी अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ उनका एक जो पुराना अनुभव है, जो पुराने साथी हैं। बिल्कुल, यहाँ अंकुश मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धर्मलाल जी, बेहद ही दुखद खबर, और इतने दिनों से संघर्ष के बाद 9 मई से वो अस्पताल में थे और आखिरकार हम जिस चीज को लेकर डर रहे थे वैसी खबर आज 3:30 बजे आई। जोगी जी सर्वहारा वर्ग के नेता थे, शोषित पीड़ित दलित, इनके आवाज को हमेशा उन्होंने बुलंद किया। जिस प्रकार से प्रशासनिक उनका अनुभव रहा है, और उस अनुभव का लाभ न केवल कलेक्टर के रूप में बल्कि राजनीति में आने के बाद कार्यों का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, इस बात को भलीभांति जोगी जी जानते थे। जब वो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने, उस समय मैं विधायक था, और जब मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा तो जोगी जी विधायक थे, और अभी हम लोग साथ में विधायक रहे हैं। जिस प्रकार से निश्चित रूप से उस वर्ग से ऐसे जो संघर्ष करते हुए जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करे, न केवल छत्तीसगढ़, संयुक्त मध्य प्रदेश और उसके बाद में पूरे केंद्रीय नेताओं से उनका निजी व्यक्तिगत संबंध रहा, अपनी पहचान उन्होंने जो बनाई छत्तीसगढ़ में, उनकी जीवटता को हम सब लोगों ने देखा है, जिस प्रकार से उनकी राजनीति में उन्होंने जो काम किया, ये कह सकते हैं राजनीति के आजाद शत्रु रहे हैं, और कभी उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया, हमेशा चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया, जो भी चैलेंज आए उसको उन्होंने स्वीकार किया, और उसको अवसर में कैसे तब्दील किया जाए
इसके लिए वो जीवन भर लड़ते रहे। आज निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए, केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए एक अपूर्ण क्षति है कि उनके जो व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व, जोगी जी केवल राजनीति नहीं बल्कि एक लेखक के रूप में भी बहुत सारे पुस्तकें उन्होंने लिखा, उनको भी पढ़ने का मुझे अवसर मिला, समाचार पत्रों में वो लगातार लिखते रहे और इस प्रकार से उनका बहुयामी व्यक्तित्व हम सब लोगों ने देखा है। अभी अस्पताल में बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया है। मैं ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री जोगी जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, साथ ही इस असह्य दुख को परिवार सह सके उसके लिए मैं भगवान से कामना करता हूं। बिल्कुल धर्मलाल कौशिक जी, एक सवाल और है आपसे मेरा कि जैसे आपने कहा कि अजात शत्रु थे वो राजनीति के, लेकिन एक उनके नेचर में जो चीज देखने को मिलती थी वो ये कि वो मनभेद उनका कभी किसी से नहीं रहा, वो खुल के बोलते थे किसी के भी बारे में। एक होता है कि जब हम कहीं किसी ऐसी जगह पर होते हैं हम कुछ संभलते हैं, कुछ सोचते हैं, लेकिन वो सीधे कटाक्ष करते थे और बड़े अच्छे से उस बात को कहते थे कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात भी पूरी तरीके से रखते हैं। देखिए मंचों पे भी उनको हम लोगों ने देखा है, व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी देखा है, निश्चित रूप से सभी जगह उनका आना जाना और एक जो रिलेशन को मेंटेन किया जाता है तो परस्पर सब लोगों से उनका संबंध रहा है दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, और इसलिए उनकी लोकप्रियता को हम सब लोगों ने बहुत करीब से देखा है। निश्चित रूप से इसीलिए सबका लगाव रहा है, अभी अस्पताल में थे तो सब लोग उनको देखने के लिए भी गए, हालचाल पूछने के लिए भी गए, लगातार फोन में बातचीत करते रहे जी। ये उनकी मिलनसारता रही है और मैंने इसलिए कहा केवल छत्तीसगढ़ नहीं, हिंदुस्तान के जितने चोटी के लीडर हैं उन सब लोगों से उनका परिचय रहा है व्यक्तिगत, सब लोग जोगी जी को जानते थे। एक छोटे से गांव से निकल करके और अपनी जो पहचान बनाए, ये असाधारण जो व्यक्तित्व हो सकते हैं ऐसे पिरले ही होते हैं जिनमें जोगी जी में कूट कूट के वो गुण भरा हुआ था। बिल्कुल रामलाल कौशिक जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़े हुए थे रामलाल कौशिक जी, वो कह रहे थे कि कितनी यादें उनके साथ हैं, उनकी किताबें उन्होंने पढ़ी है और उनके साथ बकायदा जब उन्होंने काम किया और राजनीति के क्षेत्र में जोगी जो थे वो एक अजात शत्रु के समान थे, क्योंकि जोगी का व्यवहार, जोगी की जीवटता जिसके सब घायल हैं, कई बार इतनी विषम परिस्थितियों के बीच भी आज वो जिस तरह से लड़ते लड़ते और आखिरी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि उनके अंदर वो जिविशा थी जिसको कोई ना ये कह सकता है कि शायद